नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थ्री स्पीड जो स्टैंड वाला फैन होता है उसके बारे में, उसके कनेक्शन के बारे में हमने बताया था। तो दोस्तों, आज हमने उस फैन को रिवाइड किया है, तो हमने कितने टर्न लगाए हैं और किस तरह से उसे रिवाइड किया और कनेक्शन किस तरह से किया है, वो पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने इसमें पेपर वगैरह लगा दिए हैं, अब हम इसकी कोयल बनाने वाले हैं। तो आपको मैं इसकी कोयल की जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो स्टेटर है 1 इंच का है और इसकी जो कोयल की लंबाई है वो कितनी आ रही है आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें 19 इंच की जो कोयल है वो 19 इंच की बनेगी और दो कोयल बनेगी। और इसके जो टन है दोस्तों 340 हमको लगाने हैं, तो चलो लगाते हैं। और इसमें वायर का जो गेज है वो 35 नंबर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 35 नंबर देख लीजिएगा, ये 35 नंबर है। तो चलो कोयल बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने टन सेट कर दिए हैं, हमको 340 लगाने हैं। तो आप देख सकते हो मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, काउंटिंग चल रही है। ये एक कोयल कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे बांध लेते हैं, फिर एक कोयल और बना लेते हैं। तो दोस्तों, हम दोनों कोयल कंप्लीट करके फिर रिवाइड करते हैं। दोस्तों, कोयल कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे स्टेटर में डालते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, 4 पिच बीच के अंदर छोड़ देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 4 पिच हमने बीच में छोड़ दिए हैं और हमको एक बार इसमें डाल देने हैं 1 से 6 में, और इसमें डालना है 1 से 8 में एक बार। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने रनिंग में कोई भी टेपिंग नहीं निकाला है, हम स्लॉट पेपर डाल दिए एक साइड से वो डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमको कोयल को पलट कर इस पर डाल देना है इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से सेट डालने के बाद हमको झुका लेना है नीचे की ओर, ताकि जो स्टार्टिंग डालेंगे वो आसानी से आ सके। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से ये हमारा एक सेट डल चुका है। अब हम इसे स्टेटर को घुमाकर दूसरा सेट डाल लेते हैं। यहाँ से जो सीरीज निकलेगा वो आगे की ओर जाएगा, यानी कि इस पिच में आएगा। इसमें तो सीरीज निकला जो आगे की ओर गया, फिर हम 4 पिच बीच में छोड़ देने हैं। तो अब फिर हम स्लॉट पेपर डाल देते हैं और उसी तरीके से कोयल को घुमाकर डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम रनिंग डाल लेते हैं एक बार। दोस्तों, हमने रनिंग कोयल डाल दिया है और डॉक्टर टेप इस पर लगा दिया है। तो अब हम स्टार्टिंग बनाते हैं। हमने स्टार्टिंग में 1/2 इंच छोटी कर दिया है कोयल, और जो पहली कोयल बनाएंगे हम इसमें टेपिंग निकालेंगे। तो पहली टेपिंग हमको 100 टन पे निकालनी है, तो चलो निकालते हैं। तो दोस्तों, 100 टन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हमको एक टेपिंग निकाल लेनी है, यहाँ से टेपिंग निकाल लेना है एक घुमाकर। तो ये हमारी एक टेपिंग निकल गई है, और ये वायर हमको नीचे ले जाकर फिर से कोयल बना लेना है। और दूसरी ट्रपिंग है जो 200 टन पर हमको निकालनी है। तो दोस्तों, दूसरी टेपिंग हमने 200 पे निकालनी है। और अब कंटिन्यू चलाना है। दोस्तों, एक ही कोयल में हमको टेपिंग निकालना है। तो दोस्तों, हमारे 300 टन कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम कोयल को बांध लेते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरी कोयल बना रहे हैं और दूसरी कोयल बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कोयल में हमको कोई भी टेपिंग नहीं निकालना है, ओनली कंटिन्यू जो 300 टन है वो पूरे लगाने हैं। तो दोस्तों, दूसरी कोयल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो 300 टन लग चुके हैं। और दोस्तों, स्टार्टिंग में भी 35 नंबर वायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 35 नंबर है। तो दोस्तों, ये कोयल कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे बांध लेते हैं, फिर वाइंडिंग करते हैं।
तो दोस्तों ने कोयल बनाकर फर्मे से बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों अब करना क्या है, हमको जो टैपिंग निकाली थी ये कोयल हमको पस्ट में डालना है। तो पस्ट में हमको यहाँ पर जो रनिंग का वायर है इनके बीच में डालना है, इनको यहाँ पर बीच में डाल देता है देना है। तो हम रनिंग जैसे डाली थी उसी तरीके से हमको ये भी डाल देनी है। तो दोस्तों स्टार्टिंग का जो पेस्ट का सिरा है वो हमको इस साइड में रखना है, जैसे हमने रनिंग में रखा था, रनिंग में हमने इस साइड में रखा था, इस साइड में हमको ये भी रखना है। और ये टेपिंग वाले वायर भी हमको इस साइड में रखने हैं, और जो सीरीज का ये वायर है ये हमको दूर रखना है। एक बार कोयल डाल लेते हैं। एक बार कोयल डालकर दोस्तों हमने सेलो पेपर डाल दिया है, तो हमको कोयल को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद दोस्तों ये वायर है जो टेपिंग के हैं और ये सीरीज का वायर है, तो ये अलग रखना है हमको, और हमको कोयल को घुमा कर डाल देना है। तो दोस्तों हम ये स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट डाल लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा। दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉइल डाल दिया है इसमें, अब हम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। तो कनेक्शन दोस्तों किस तरह से हमको करना है, थ्री स्पीड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं कॉमन, यानी ये है रनिंग का वायर, ये देख लीजिए रनिंग का वायर है और ये है स्टार्टिंग का। तो हमको इस तरह से कॉमन कर देना है इसको, तो मैं यहाँ पर कॉमन कर देता हूँ। और ये वायर जो टेपिंग हमने निकाला था वो टेपिंग वाले वायर हैं, तो इसको एक बार अलग रखते हैं। तो हमको यहाँ पर दोस्तों हम इस पर ब्लैक वायर लगा देते हैं, तो ये मैंने ब्लैक वायर ले लिया है, तो इस पर हमको ब्लैक वायर लगा देना है। दोस्तों मैंने पॉलिश नहीं अभी जलाया है क्योंकि मैं यहाँ पर वेल्डिंग करता हूँ, अगर आपके पास वेल्डिंग नहीं है तो आपको पॉलिश जलाना है। तो दोस्तों मैंने ब्लैक यहाँ पर लगा दिया है, अब हम इस पर रेड वायर लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने रेड वायर ले लिया है, तो इस पर मैं रेड वायर लगा देता हूँ और मैं इसे कटिंग कर देता हूँ। और इस टैपिंग पर मैं येलो वायर लगाने वाला हूँ, मैं ये येलो वायर ले लिया है, तो येलो वायर लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको कर देता हूँ कटिंग। दोस्तों अब बचे हैं दो वायर, तो दो वायर एक है स्टार्टिंग का एक है रनिंग का, तो इस पर भी हमको वायर लगाने हैं, तो मैं लगा लेता हूँ दो वायर। तो दो वायर मैं ले लेता हूँ, तो इन पर मैं दोस्तों ब्लू वायर लगाने वाला हूँ, तो ब्लू वायर मैं ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्लू वायर लगा लिया है, ये है रनिंग का और एक है स्टार्टिंग का, तो इस सिरे को मैं स्टार्टिंग से जोड़ देता हूँ, बीच से कट कर दूंगा। तो इस पर हमको कंडेंसर लगाना है, तो यहाँ से कट करने के बाद हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ये दो वायर हो जाएंगे। तो ये रनिंग का और स्टार्टिंग का हो गया है। तो चलो हम इसे वेल्डिंग कर लेते हैं और इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं सिला वगैरह लगा के। दोस्तों मैंने कनेक्शन करके इसे धागा खींच दिया है, और अब हम मैं इसमें स्टेटर डाल देता हूँ और फिर इसे फिटिंग करके हम चलाकर देखते हैं। तो मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ। एक बार मैं फिटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसे बैठा दिया यहाँ तक, अब मैं इसमें रोटर डाल देता हूँ और फिर इसे फिटिंग करके चलाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो रोटर इतना बराबर चलना चाहिए स्टेटर के बीच के अंदर, तो इसका पीछे का हिस्सा भी मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने फिटिंग कर लिया है, ऑयल वगैरह डाल दिया है इसमें, और अब हमने कंडेंसर के जो वायर रखे थे, हमने ये ब्लू वायर रखे थे स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में, हमको कंडेंसर लगाना है, तो मैं ये कंडेंसर लगा देता हूँ। और ये मैंने कंडेंसर लगा लिया है। अब दोस्तों हमको पहले देख लेना है एक बार चलाकर कि ये इस साइड में चलना चाहिए। तो दोस्तों मैंने वायर लगा लिए हैं, अब हम लगा कर देखते हैं। तो इस पर हमको सप्लाई देनी है, एक तो इस पर एक इस पर, तो ये दोस्तों चल चुका है और हम इस पर लगाएंगे, ये तो ये स्लो हो जाएगा। तो देखिए स्पीड कम हो रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको एम्पेयर भी दिखा देता हूँ इसकी। तो दोस्तों अब आपको मैं इसका एम्पेयर बता देता हूँ। तो पहले मैंने कॉमन जो ब्लैक था मैंने ब्लैक पर लगाया है, तो इसमें फुल स्पीड है दोस्तों ब्लैक पे, तो इसका एम्पेयर आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो ये अभी फुल स्पीड में चल रहा है, तो इसके एम्पियर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके एम्पियर आया है 0.50, 49 हो गए हैं, तो हमने ब्लैक में लगाया है। तो दोस्तों अब लगाते हैं हम रेड पे, रेड पे देखते हैं कितने एम्पियर आते हैं। तो मैं ब्लैक से हटाकर रेड पे लगाता हूँ। तो अभी रेड पे चल रहा है, तो अब इसके एम्पियर आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों 0.43 एम्पियर आ रहे हैं। और अब लगाते हैं हम येलो पे, येलो पे लगाकर देखते हैं कितने एम्पियर आते हैं। तो मैं इस वायर को हटाकर येलो पे लगा लेता हूँ। दोस्तों इसको हमको नहीं हटाना है, तो मैंने येलो पे लगा दिया है। तो अब चलाते हैं, तो ये येलो पे चल रहा है अभी, देख लीजिए। तो दोस्तों अब आपको मैं इसके एम्पियर दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों 0.36 एम्पियर आ रहे हैं, यानी कि ये लो स्पीड हो चुकी है और ये चल रहा है। दोस्तों हमने ब्लैक में 50 एम्पियर ले रहा था, 0.50 ले रहा था, तो ये कारण था कि इसमें ये कैपेसिटर ये डाउन है, यानी कि पुराना है। तो दोस्तों इस तरह से स्पीड हमको निकाल लेनी है। हम किस तरह से स्टार्टिंग में टैपिंग निकाल कर हमने स्पीड निकाली है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोटर में स्टार्टिंग में टैपिंग निकाल कर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट टैपिंग 100 पे निकाला है, तो हमने अगर 150 पे निकालते तो और भी हम स्पीड को उसको डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, जो ये कंडेंसर की लाइन है ये रनिंग पे लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग है, ये वाला वायर रनिंग पे है, हमको स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। तो दोस्तों आपका जो कन्फ्यूज है वो दूर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, और दोस्तों रियल वीडियो मिलती है, कोई फेक वीडियो नहीं होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।